अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर नंबर 13 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम एक्सरसाइज जो 2.6 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज है 2.6। इसमें से इसमें हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं और जो सिक्स पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट भी डिस्कस है, 2 + 3 iota / 4 - iota। बेसिकली हमने इसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a + b iota, मतलब रियल और इमेजिनरी डिजिट्स जो हम वो अलग करने हैं। तो रूल ये है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद हो तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें उसको रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज करने का मेथड ये है कि जो बटे लिखा हुआ 4 - iota जो है इसको हम दोबारा लिख रहे होते हैं कॉन्जुगेट के साथ, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे। जो जो जगह 4 + iota वो हम ऊपर भी लिख रहे होंगे और नीचे भी लिख रहे होंगे। इसके बाद ये है कि ऊपर वाला नंबर को ऊपर वाले से, मतलब नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से बड़ी हुई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे, जिससे हमारे पास कंडीशन की दिशा बन जाती है। फिर ये कि ये 2 हम बड़ी हुई करेंगे इस फैक्टर के साथ, इसका लिख लेंगे इसे, और 3 iota जो है इसको दोबारा लिखा जाएगा इसके साथ। तो उसके बाद ये है कि हम मल्टीपल जा रहे होंगे 2 × 4 = 8 2 iota, उसके बाद 3 × 4 = 8 3 × 4 = 12 iota, और 3 iota से मिलके iota स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 3 iota स्क्वायर बनेगा इसकी वैल्यू जो है। नेक्स्ट ये होगा कि 4 का स्क्वायर है, क्योंकि ये हमारे पास जो कंडीशन आई हुई है इसे हम a + b (a - b) वाले फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं, जिससे a² - b² जो ना हमारे पास कंडीशन आती है। तो हम इसे लिख सकते हैं a² - b² तो नेक्स्ट हम इसे सॉल्व किया 16 और -a² - 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये स्टेप जो है वो बना हुआ है। इसके बाद ये है कि ये भी a² स्क्वायर है, हम यहाँ पे -1 लगा देते हैं, बाकी जो डिजिट्स हैं ये दोनों ये प्लस हो जाएंगे a² के जो है, और बाकी जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज रहेगी। तो नेक्स्ट ये है कि a + 4 iota + -3 हो जाएगा, और उसके बाद जो बटे में ये दोनों डिजिट से दोनों को हम प्लस कर लेंगे और हम उसको बटे के नीचे ही, मतलब के डिनोमिनेटर की प्लेस पर ही लिख लेंगे। उसके बाद ये है कि 8 में से माइनस करेंगे 3 जो 5 हो जाएगा, और 4 iota से जो है एज इट इज लिखा जा रहा होगा ओवर 17 आ जाएगा। तो 17 जो है वो 5 के नीचे अलग और 14 के नीचे जो है ना वो अलग लिख लिया जाएगा, इससे ये स्टेटमेंट तो जो बन जाएगी जो कि a + b iota के फॉर्म के रिलेटेड है। सेम इसी तरह से अगर हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी ये दोनों डिजिट्स हैं, पहले हम उनको मल्टीपल करेंगे, वही मेथड जो मैंने यहाँ यूज किया था वही मेथड हम यहाँ पे ले जा रहे हैं। तो उनको पहले इस तरह से मल्टीपल किया, फिर 3 iota को मल्टीपल किया है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें ये फॉर्म मिलती है 1/5 + iota। अब इसको हम आगे रेशनलाइज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको रेशनलाइज किया था कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लिया था, उसको ऊपर और नीचे लिख दिया था, सेम ऐसे हम यहाँ पर भी कर रहे होंगे। 5 + iota है तो हम लिखेंगे 5 - iota 5 - iota, फिर नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करेंगे, इससे ये कंडीशन फिर फार्मूले के मुताबिक ये जो है फार्मूला इसी मुताबिक ऐसी लिखी जा रही होगी। और इसको हम सोल्व करेंगे तो iota स्क्वायर -1 हो जाएगा, जो कि बाद में फिर प्लस के शे में होके प्लस होके 26 हो जाएगा, फिर 26 में 5 में से और iota नीचे अलग अलग सेपरेटली इसको लिख देंगे, जिससे ये फॉर्म में बन जाती है। तो ये दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के जो हमने डिस्कस कर रहे थे, इनको इस तरह से देखिएगा और इनको भी समझने के बाद उनको नोट में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।